ऑब्जेक्टिव शीट 26 में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने जाते हुए डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी डिस्कस किया था, 4 एंड 5 पांच तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, 6th क्वेश्चन कर लिया था, कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7th से करते हैं, 7th क्वेश्चन बाइट सर्वेट लॉ में ऑलरेडी हमने वैसे किया हुआ है, बता देता हूँ, शायद आप लोगों को याद आ जाए इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, ये मार्क करके बताएं जिन लोगों को याद है। एन स्क्वायर बी, बी ठीक है, एन स्क्वायर। देखो हमने ये एक शॉर्टकट नोट किया भी था फॉर्मूला रजिस्टर में कि अगर आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है और लेंथ उसकी एल है और करंट उसमें आई है और उसका हमने एक सर्कल बना दिया, तो वो करंट सर्कल में घूम रहे हैं ऑफ रेडियस आर 1 टर्न, फिर बिना उसकी लेंथ को चेंज किए मैंने उसके 3 टर्न्स बना दिए, 3 बार वायर को घुमा दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये मेरा इसमें क्वेश्चन है। तो मैंने इसका शॉर्टकट याद करवाया था कि आप इसको ऐसा कर लें कि अगर आपके पास ये सिर्फ एक टर्न है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, मान लो करंट कैरिंग वायर है ये रहा, एक टर्न है जिसका रेडियस आर है 1 टर्न है, तो बी की वैल्यू इसके सेंटर पे क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4π 2 × π × I/R, ऐसे ही है। फिर इसी वायर को आपने 3 टर्न्स घुमा देने हैं, 1, 2 और 3, तो रेडियस छोटा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 3। तो जो नया रेडियस होगा वो क्या होगा, पुराना रेडियस तो 2πr है, नया रेडियस 3, नया सर्कमफ्रेंस 3 × 2πr' है, 2π से 2π कैंसिल, r' की वैल्यू क्या आई थी, r/3, और क्योंकि हमने इसको 3 टाइम्स किया तो म्यू नॉट बाय 4π 2 × π I/r' और × 3 भी करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कितने हैं, 3, तो मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स हो गया, और यहाँ से r' की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास 9 टाइम्स आंसर आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो शॉर्टकट याद रखेंगे। तो आज के बाद ऐसा करेंगे नहीं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n स्क्वायर आंसर हो जाएगा, n स्क्वायर भी आंसर है, किया था एक बार पहले हमने ये क्वेश्चन, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द वायर ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r विच कैरीज करंट i इज मेजर्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाइल। तो पहले केस नंबर 1 में करंट कैरिंग क्वाइल है ऑफ रेडियस r और एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला, और कितनी दूर, h डिस्टेंस दूर फ्रॉम द सेंटर निकाला, तो b का फॉर्मूला एक्सिस के ऊपर हमें करंट कैरिंग वायर का ऑलरेडी आता है, हमने किया बैट सेवेट लॉ में कि एक रिंग के अंदर करंट है उसके एक्सिस पे b की वैल्यू क्या होगी, हमने किया हुआ है। वो ये कह रहा है दिस इज स्मॉलर देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो अगर मैं करंट कैरिंग क्वाइल के सेंटर पे बी निकालूं ये वैल्यू इससे छोटी आएगी, ये वैल्यू छोटी आएगी इससे क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम होता है, छोटी आएगी कितने फ्रैक्शन से छोटी आएगी ये निकालो। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बी डैश है और सेंटर के ऊपर बी है, अपने को ये रेशियो निकालनी है फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है यहां तक, तो अपने को बी डैश और बी को पहले निकालना पड़ेगा फिर क्वेश्चन आगे चलेगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधा सीधा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है बी वन सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर अगर एन टर्न्स हैं तो बी वन का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4π 2π I/N/R, तो सेंटर के ऊपर बी आ गया। एक्सिस के ऊपर फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4π 2π I/R² r² x² raised to power 3/2 × n, हमने रिंग के एक्सिस के ऊपर बी का फॉर्मूला किया हुआ ऑलरेडी, तो ये फॉर्मूला एक्सिस के ऊपर है, तुम एक काम करो बी टू को बी वन से डिवाइड कर दो तो ये टर्म आ जाएगी, मेडिकल में नहीं आएगा ओनली फॉर नॉन मेडिकल, तो ये टर्म डिवाइड कर दिया, मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम वैसे ही है, बी टू को बी वन से डिवाइड किया तो ये टर्म आ गई, फिर क्योंकि एच और आर ये वन है तो बाइनोमियल लगा के -3/2 को मल्टीप्लाई करके b2/b1 आ गया। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि b1 - b2 कि अगर आप सेंटर के ऊपर हैं और आप अगर एक्सिस के ऊपर हैं तो b की वैल्यू चेंज हो जाती है, कितना चेंज है, इतना चेंज है, ओरिजिनल वैल्यू सेंटर के ऊपर b1 है, तो वो कह रहा है कि कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ, अगर सेंटर से h डिस्टेंस दूर जाते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, तो ये फ्रैक्शनल चेंज हुआ, चेंज का मतलब क्या होता है, इतनी वैल्यू से चेंज हो गया और ओरिजिनल वैल्यू इतनी थी
तो यहां से 1 माइनस बी टू बाई बी वन, बी टू बाई बी वन की पूरी वैल्यू यहां पुट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, आंसर मार्क कर लेंगे, मेडिकल में नहीं आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो प्रीवियस ईयर के अंदर मेंस वालों को ये मिलेगा क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट है इसमें कि कैसे इसको यूज किया? नेक्स्ट है, एक एलिमेंट है डीएल जिसकी वैल्यू डीएक्स आई कैप है। तो डीएक्स का मतलब साफ पता लग रहा है, बाइट से बटलो लगने वाला एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, डीएक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और आई कैप का मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो आपको क्या बताना है, ये ओरिजिन पे ऊपर रखा गया, ओरिजिन के ऊपर वायर को रख दिया जिसके अंदर करंट 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर करंट है। तो आपको बी निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर वाई एक्सिस पे। तो आप y एक्सिस पे जाएं 0.5 मीटर ऊपर और यहां पर b निकालना है, तो बाइट सेवर्ट लॉ लगेगा क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है dx, ये रहा dl, बहुत छूट है, और db निकालना है। तो वैल्यू क्या लगेगी बाइट सेवर्ट लॉ से, म्यूनोट बाई 4π आई डी एल साइन 90, क्योंकि इसमें dl में और b r में एंगल कितना है 90/r² वैल्यू पुट करके आंसर। हाँ, इसमें अगर डायरेक्शन निकालनी है तो करंट क्योंकि राइट की तरफ है तो यहां पर b कैसे निकलेगा, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर का मतलब क्या होता है, कौन सा कैप है, k कैप है। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने शायद एनसीईआरटी के उसमें किया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट बायट सेवर्ट लॉ कैसे काम करता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन देखें प्लीज, हेलिक्स का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड। तो ये रहा एक लॉन्ग सोलेनोइड, करंट कैरिंग ये रहा, तो बी वेक्टर कहां पर है, एक्सिस के ऊपर है। तुमने भी एक इलेक्ट्रॉन को कहां फेंक दिया, एक्सिस के अलोंग विद वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, एक्सिस के अलोंग। तो पहला क्वेश्चन, क्या इस इलेक्ट्रॉन पे ये मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि v वेक्टर और b वेक्टर में एंगल जीरो है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। तो थीटा यहां पर जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू नहीं लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं तो उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो इसलिए इट विल मूव, कंटिन्यू मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। कोई डाउट इसमें? तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग किसी भी चार्ज पार्टिकल को फेंके तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लगाती। ठीक, नेक्स्ट है 11th। कितनों को याद आ रहा है देखते कि इसका आंसर डी है? याद आ रहा है कैसे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है लॉन्ग स्ट्रेट रॉड है। अगर आपको याद हो एम्पियर सर्किट लॉ में किया था, एक थिक वायर है, एक थिक वायर के अंदर करंट आई है, तो तुमको बी यहां निकालना है, वायर के अंदर निकालना है, वायर के बाहर निकालना है। तो अगर याद हो वायर के अंदर जो बी होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, और वायर के बाहर जो बी था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर था। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये ग्राफ बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? स्टैंडर्ड ग्राफ है ये वायर का, अपनी फॉर्मूला बुकलेट में चेक कर लेंगे तो शायद बना भी रखा हुआ आपने इसे। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, 12 के अंदर एक बार चेक करूँ क्या क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सॉलिड का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या क्वेश्चन है?
अ क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो क्या गिवन है सोलेनोइड का, एल गिवन है, हैज फाइव लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पता है वाइंडिंग में कितने, 400 टर्न है, और पांच लेयर ऑफ वाइंडिंग है, पांच बार तार को लपेट रखा है, एक बार लपेटने में 400 टर्न है, पांच बार लपेटने में 5 × 400 2000 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। डायमीटर सोलेनोइड का पता है तो रेडियस आ जाएगा डिवाइड बाई टू करके। करंट पता है बी निकालना है, सोलेनोइड के एक्सिस पे बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, वेयर छोटा एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न तो 2000 है और लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ छोटा एन आ गया, उसको यहां पर वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट किसकी, इसकी बी की एक्सिस के अलोंग, सोलेनोइड में बी हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन भी किया हुआ है जिसके अंदर अ करंट ऑफ आई एम्पियर फ्लोज अलोंग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रेट थिन वॉल्ड ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है खाली अंदर से, और करंट उसकी बाउंड्री में, और मैंने बताया था एक हॉलो पाइप के अंदर अगर आप पॉइंट लें, करंट कैरिंग हॉलो पाइप है, बी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो स्ट्रेट वे इसमें क्या मार्क करना है, जीरो। थिक वायर, थिन वायर के अंदर, थिन वायर के अंदर तो डिफाइंड ही नहीं है ना, अभी लेते ही नहीं कभी, जीरो लेते हैं, आता ही नहीं क्वेश्चन कभी। थिन वायर के अंदर रेडियस लेते ही नहीं ना, आर होता ही नहीं, तो थिन कैसे होगी अगर आर ले रहे हो, तो थिक हो गई, ठीक है। कभी आपने देखा ही नहीं थिन वायर के क्वेश्चन में आर की वैल्यू करते है? बात ही नहीं करता वो, क्योंकि वो थिन है, सिर्फ मास लेंथ वाइज है, थिकनेस है ही नहीं। नेक्स्ट 14, तो ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 50 को किससे मल्टीप्लाई करें, किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो यानी कि 50 × 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 50 × 10 की पावर 3 × 1.6 × 10 की पावर −19 जूल में आएगा। तो इसके अंदर ये एनर्जी है, डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस गिवन और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन, क्या होगा, पहले कौन घूमा, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की एनर्जी दे दी और रेडियस भी दे दिया, फिर कह रहे हैं मेरे को किसको घुमाना है, प्रोटोन, प्रोटोन का रेडियस भी क्या रखना है, सेम, और प्रोटोन की एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, तो रेडियस तो सेम है ना, तो एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला हमने किया था, ये फॉर्मूला था, याद करो ये वाला फॉर्मूला रेडियस का, सीधा लगाओ अंडर रूट ऑफ 2 × m × काइनेटिक एनर्जी अपॉन बी क्यू, क्योंकि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का रेडियस क्या एग्जैक्टली सेम, तो रेडियस को इक्वेट कर दे, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पहला पार्टिकल क्या गिवन है, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है 2 times प्रोटॉन का मास, और चार्ज क्या होता है प्रोटॉन जितना, और एनर्जी ड्यूट्रॉन की गिवन है, कितनी थी बोलना, कितनी एनर्जी है, 5 point न्यूमेरिकल में, फिफ्टी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिख लेते हैं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर उसी में आ जाएगा। तो प्रोटॉन का जो मास है वो एम, वो क्या ले लेंगे, ओ सॉरी चार्ज पुट कर दिया गलती से, तो पहला पार्टिकल क्या था, ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का मास 2 times मास ऑफ प्रोटॉन है और चार्ज ई है, प्रोटॉन का चार्ज ई है और मास कितना है, एम है, और ये एनर्जी आपको निकालनी है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, एम से एम गया, ई से ई गया, बी से बी गया, ई टू निकाल लो ना आंसर, तो समझ में आ रहा है, रेडियस को इक्वेट करके ई टू निकाल लेना है, इवन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो स्टेप क्लियर है यहाँ तक, एक ड्यूट्रॉन के लिए और एक प्रोटॉन के लिए, रेडियस गिवन सेम है, तो सेम अप्लाई कर देंगे इसमें। नेक्स्ट है 15,
तो क्वेश्चन है प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन है ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे है तो दे विल मूव इन अ सर्कल। क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। तो रेडियस का फॉर्मूला इन पार्टिकल्स का क्या होगा? एम वी बाई बी क्यू, ये फॉर्मूला है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों सेम गिवन है सभी पार्टिकल की, तो रेडियस किस पे डिपेंडेंट है? चार्ज और मास रेशियो पे। तो तुम मास को नहीं, रेडियस डिपेंडेंट अपॉन मास बाय चार्ज रेशियो। तो एक बार आप ये फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एक बार लगाएंगे ड्यूट्रॉन के लिए, मास ऑफ ड्यूट्रॉन ट्वाइस है और चार्ज तो प्रोटॉन जितना ही है। एक बार लगाएंगे अल्फा के लिए, जो अल्फा है उसमें मास फोर टाइम्स है और चार्ज ट्वाइस है। इन्हें डिवाइड कर लेंगे, एम बाई ई सब में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो एम और क्यू की रेशियो को पुट करते जाएंगे और फिर एंड में सभी रेडियस को डिवाइड करके ये रेशियो की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रोटॉन जिसका मास गिवन है, चार्ज गिवन है, प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ स्पीड भी गिवन है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है अप्लाइड अलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, चार्ज पार्टिकल का डायग्राम बनाऊँ और मैग्नेटिक फील्ड का बनाऊँ, तो देखो कैसे बनेगा। वो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन है प्रोजेक्टेड विद इस स्पीड के साथ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एक्स के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अलोंग वाई एक्सिस। नहीं, गलत बन गया, फिर से एक बार। ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वेलोसिटी ने एंगल बनाया x के साथ, कितना? 60 डिग्री के साथ। ये रहा, ये वेलोसिटी है। लेकिन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर है? अलोंग y एक्सिस गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड इतना है अप्लाइड अलोंग y एक्सिस। तो ये बताओ वेलोसिटी में और b में एंगल कितना है? 30। तो ये पार्टिकल किस में घूमेगा? सर्कल में कि हेलिक्स में? सर्कल की हेलिक्स, हेलिक्स, क्योंकि वी और बी में एंगल 90 नहीं है, थीटा है, कितना है? 30 डिग्री है। तो हेलिक्स में, सही है यहां तक? सर्कल में नहीं घूमेगा, हेलिकल पाथ है। हेलिकल पाथ एक्स के अलोंग जाएगा या वाई के अलोंग जाएगा? कैसे डिसाइड करते हो? देखते ही पता लगता है। कैसे? बी के साथ जाता है, क्योंकि अगर आपका जो डेरिवेशन थी वो ऐसी थी जो हमने डराइव किया, हमने क्लास में ऐसा किया है और हेलिक्स बी के साथ जाता है, तो बी इस बार कहां जा रहा है? ऊपर। तो हमारा हेलिकल पाथ ऐसे जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर वी और बी में एंगल थीटा को क्या पुट करेंगे? 30। तो अगर मैं ये पूछूं तो रेडियस की वैल्यू क्या है? एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो थीटा को क्या पुट करेंगे यहां पर? 30। इंपॉर्टेंट है, 60 मत कर देना, क्योंकि तो थीटा एंगल किसके किसके बीच में होता है? बी और V के बीच में होता है। कोई डाउट इसमें? तो रेडियस आ जाएगा यहां पर, और साथ में कह रहे टाइम पीरियड भी निकालो। वैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे को आता है, कितना? 2 पाई एम बाय बी क्यू, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, पर मेरे को यहां पर सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? ऑप्शन को ध्यान से देखो,
पहली दो ऑप्शन तो कह रही है रेडियस सर्कल का है, सर्कल में तो ये घूमेगा ही नहीं, तो ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर तो सी और डी में है, क्योंकि सी और डी ऑप्शन हेलिक्स बोल रही है और टाइम पीरियड दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। तो मैं क्यों सॉल्व करूँ, टाइम पीरियड सॉल्व करके करूँगा भी क्या, तो रेडियस से चेक हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, ऑप्शन को देख लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन है टू चार्ज पार्टिकल एम और एन, देख रहे हो चार्ज पार्टिकल हैं, एक एम है और एक एन है, ये पाथ वो फॉलो कर रहे हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये देखते हुए ये बताना है कि किसका स्पेसिफिक चार्ज बड़ा है, किसका छोटा है। देखो तुम इस डायग्राम को देखते हुए चार्ज के बारे में तो बता ही नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं बता सकते। तुम सिर्फ इसको देखते हुए ये बता सकते हो कि चार्ज टू मास रेशियो किसकी बड़ी छोटी है। अब चार्ज टू मास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें यह पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है, सर्कुलर ये पूरा घूमेगा सर्कल में, दोनों घूमेंगे, तो उसका रेडियस क्या है, एम वी बाय बी क्यू। और रेडियस के अंदर अकेला मास नहीं आता, साथ में क्या आता है, चार्ज भी आता है। तो आप एक काम करो, मास को नीचे ले जाओ, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। तो इन इन दो डायग्राम को देखते हुए चार्ज के बारे में नहीं बोला जा सकता, अकेले मास के बारे में भी नहीं बोला जा सकता, चार्ज टू मास रेशियो देखनी है। तो मुझे साफ पता लग रहा है कि इसमें एन का रेडियस बड़ा है और एम का रेडियस छोटा है। इसके अंदर एन बड़े रेडियस में घूमेगा और एम छोटे में घूमेगा, तो पता लग रहा है मुझे आर रेडियस एन का बड़ा है एम से, तो चार्ज टू मास रेशियो एन की छोटी है एम से। आंसर मार्क कर लेना ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे देखना, समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें रेडियस पता लग जाए तो तुम चार्ज टू मास रेशियो बता सकते हो किसका रेडियस बड़ा छोटा है, किसका चार्ज टू मास रेशियो बड़ी छोटी है। उल्टा भी ट्रू है, अगर तुम्हें चार्ज टू मास रेशियो पता है तो तुम बता सकते हो कि रेडियस बड़ा है या रेडियस छोटा है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका मास एम है और चार्ज क्यू है इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये बताओ कि अगर चार्ज पार्टिकल क्यू रेस्ट पे पड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और उसे मूव भी करवाएगा, तो कितनी फोर्स से मूव करवाएगा, क्यू ई, और एक्सेलरेशन क्या होगी, क्यू ई बाय एम, मैग्नेटिक तो है ही नहीं इसमें, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कह रहे रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा और वाई डिस्टेंस के ऊपर बताना है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो एक काम करते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इसमें, वाई डिस्टेंस पे वेलोसिटी वी हो गई, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू ए वाई, एस की जगह वाई, एक्सलेशन क्यू बाई एम, तो यहाँ से वी स्क्वायर आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इस वी स्क्वायर को उठा के यहाँ पुट करके आंसर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई After covering a distance of y। वैसे अगर ये पेपर में आ जाए और थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखें ऑप्शन, आपको पेन भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि force into displacement is work done। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने वर्क डन कितना किया, force into displacement, and according to work energy theorem, change in kinetic energy is amount of work done। तो ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन मार्क कर देना,
आपकी मर्जी है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, दोनों तरीके बता दिए, भूल गए तो ये तरीका तो है ही है, याद रख गए तो अच्छी बात है, ऑप्शन देख के समझ में आ ही जाएगा कि वो इनटू वाई से आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड तरीका ज़्यादा बेटर है वैसे।